घटना हुई है। साथ ही साथ सीनियर ऑफिसर लगातार भ्रमणशील रहेंगे कल शाम से ही, ताकि किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। 1 तारीख को सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर भी भीड़ भाड़ देखी जाती है, इसलिए वहां भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण संस्थानों के सिक्योरिटी को बढ़ाने के निर्देश मुख्यालय स्तर पे से दिए गए हैं। सभी प्रदेशवासियों से ये अपील है कि पुलिस द्वारा दिए गए ट्रैफिक के जो एडवाइजरी हैं, जो ट्रैफिक डायवर्शन प्लान इत्यादि है, उसका अनुपालन करें। पुलिस के द्वारा अल्टरनेट पार्किंग व्यवस्था भी कराई जाएगी और जहां पर गाड़ियों का आना जाना रोका गया है वहां पे इस चीज का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। यह भी देखा जाता है कि कुछ जगहों पे स्टंटबाजी की घटनाएं होती हैं, तो ऐसे जगह आइडेंटिफाई करके वहां जिगजैग और बैरियर लगाकर चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं और यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि स्टंट की आड़ में जो अमूल्य युवा वर्ग की कोई जनहानि न हो, किसी की कोई दुर्घटना न हो और दुर्घटना में कोई पारिवारिक शोक न हो। मुझे सबसे अपेक्षा यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें और नए साल का स्वागत बहुत ही सौम्य और सभ्य तरीके से कराया जाए। धन्यवाद।